पेपर लीक और नकल माफिया से परेशान जनता को राहत देने के लिए और चीटिंग सिंडिकेट को जड़ से खत्म करने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। ऐसा सख्त कदम कि नकल करवाने वालों के तोते उड़ जाएं। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट और इंजीनियरिंग के साथ साथ दूसरे एग्जाम में नकल करवाने और पेपर लीक करवाने से पहले नकल माफिया की रूह कांप उठेगी। मोदी सरकार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण बिल ला रही है। इसमें ऐसे अपराधियों और संस्था और माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं जिनका हाथ पेपर लीक या नकल कराने के पीछे रहता है। इस बिल के तहत 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके बाद नकल माफिया पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। पेपर लीक बिल को लोकसभा में पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बिल में पेपर लीक और दूसरे की जगह पर परीक्षा देने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरे कैंडिडेट की जगह पर परीक्षा देने पर भी कड़ी सजा मिलेगी। दरअसल देश के कई राज्यों में आए दिन पेपर लीक और नकल की घटनाएं होती रहती हैं। कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। कई राज्यों में पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और दोबारा एग्जाम कराने पड़े। ऐसे में पेपर लीक पर सख्त कानून बनाकर केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की नकेल कसने जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि पेपर लीक के मामले में अगर अपराध साबित हो जाता है तो दोषी को 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल पाया गया तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जा सकता है और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। बीते वर्षों में राजस्थान, तेलंगाना, MP, गुजरात और झारखंड में पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करानी पड़ी थी और इन परीक्षाओं को फिर से कराया गया। वहीं दोबारा से परीक्षा कराने पर राज्य सरकार का पैसा खर्च होता है और कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही सरकार और स्थानीय प्रशासन को छात्रों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। पेपर लीक और नकल के मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे। सरकार के पास केंद्रीय एजेंसियों को जांच सौंपने का अधिकार होगा। आर्या न्यूज़ डिजिटल की रिपोर्ट।